बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी मोहम्मद वलीद की। मोहम्मद वलीद MBBS ग्रेजुएट, ये वो बच्चा है जिसने 29 गोल्ड मेडल्स विन किए हैं। जी हाँ, 29 गोल्ड मेडल्स विन किए हैं इसने। अभी अभी रिसेंटली MBBS ग्रेजुएट हुआ है और उसके गले में जो गोल्ड मेडल्स थे वो उसके वज़न से भी ज़्यादा थे। ये इतना काबिल बच्चा जिसने दिन रात मेहनत की होगी, जिसको पढ़ाने के लिए, जिसका MBBS कंप्लीट करवाने के लिए पेरेंट्स ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी होगी। इस नौजवान को अप्रिशिएट करने के बजाय करने के लिए ना निदा यासर ने अब तक उसको अपने शो में बुलाया है, ना ही यासर शामी ने जाकर उसको ढूंढा है कि जाकर इंटरव्यू करे। वजह यह है कि यासर शामी अगर उसका इंटरव्यू करेगा तो उसको व्यूज़ इतने नहीं आएंगे, और निदा यासर अगर उसको बुला के उसका इंटरव्यू करती है तो उसकी जो है वो रैंकिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई देखता नहीं है ना वो, क्योंकि ये लोग ठुमके नहीं लगाते ना, ये नाच गाना नहीं करते ना। आप ये सोचें कि दनानीर ने एक वीडियो 4 सेकंड की बनाई और दो दिन के अंदर 2 करोड़ कमाए उसने। इसी तरह मेरा दिल ये पुकार आजा गर्ल ने 2 दिन के अंदर अंदर 2 करोड़ कमा लिए, और पता नहीं कहाँ से निदा यासर ने उसको ढूंढ के दनानीर को भी उसी वीक अपने प्रोग्राम में बुलाया था, और ये मेरा दिल ये पुकारे गर्ल को भी इसने बुलाया, और ना सिर्फ उस मेरा दिल ये पुकारे गाने के ऊपर इसने उससे अपने शो में डांस करवाया, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थी और भी बहुत सारे सॉन्ग्स पे गाना डांस करवाया, ठुमके लगवाए। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि दनानीर जो है वो ओवरनाइट जो है उसको सक्सेस क्यों मिली, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि इसको जो है मेरा दिल ये पुकारे गर्ल को ओवरनाइट सक्सेस क्यों हासिल हुई। ओके, ये अपनी साइड पे इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और किसी ने इनकी वीडियो बनाई अपलोड की और वो मिलियंस में लोगों ने देखी, वायरल हो गई और उन्होंने 2 करोड़ 2 दिन में कमा लिए। बात करते हैं उन बच्चों की, वलीद जैसे स्टूडेंट्स की, और ये तो एक बच्चा है जिसने MBBS ग्रेजुएट करके टोटल 29 गोल्ड मेडल्स लिए। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हर शहर में ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके पेरेंट्स दिन रात मेहनत करके अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, MBBS ग्रेजुएट हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से वो टॉप करते हैं, मेडल्स जीतते हैं। क्यों नहीं बुलाया जाता उनको, उनको क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाता। अब आपको पता ही है वलीद के साथ क्या होना है, इसने 29 गोल्ड मेडल्स जीते हैं जो कि उसके वेट से भी ज़्यादा है, राइट। उसके बाद अभी जो है अभी ये हाउस जॉब करेगा, उसके बाद धक्के खाएगा, और 2 करोड़ कमाने के लिए उसको कोई आगे 20-25 साल और लग जाएंगे। और ये हमारी बच्चियाँ दनानी जैसी, मेरा दिल ये पुकार है आजा जैसी, अहमद शाह जैसे बच्चे जो एक रात के अंदर अंदर ऐसे वायरल हो जाते हैं, इनको कौन वायरल करता है, हम करते हैं ना। वीडियो कहाँ से बनी, लड़कियाँ ये दोनों लड़कियाँ कहाँ से थीं, पाकिस्तान से थीं, किसी ने वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, किसी ने फिर शेयर हुआ, शेयर होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो क्यों नहीं इसकी कहाँ है यासर शामी, अब निदा यासिर कहाँ है। यासिर शामी को सिर्फ वो कपल चाहिए होते हैं, 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, 70 साल की बुढ़ी अंग्रेज़ है, 80 साल की बुढ़ी अंग्रेज़ उसके फेसबुक में लड़के ने फंसाया, वो पाकिस्तान पहुंच गई और उस दोनों की शादी हो गई, या तो उसको ये वीडियोस बनानी होती हैं, या फिर जो है एक ही लड़के ने दो फ्रेंड्स के साथ शादी कर ली वो वीडियोज़ बनानी होती हैं। इस तरह के जो लाइक नौजवान हैं, जो लाइक लड़कियां हैं, जो हर शहर हर जगह से टॉप करते हैं, जो गोल्ड मेडल्स जीते हैं, उनकी वीडियोस बनाएं, उनको वायरल करें ना, ताकि वो जो उन्होंने दिन रात मेहनत की है, जो उनके पेरेंट्स ने सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी, वो वसूल हो सके, उनको उनका राइट मिल सके। जब मीडिया इतना स्ट्रांग है, दो दिन के अंदर अंदर 2 करोड़ कोई लड़की कमा सकती है एक छोटे से किसी और के गाए हुए गाने पर ठुमका लगा के डांस करके, तो क्या ये जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं हमारी, जो दिन रात मेहनत करके गोल्ड मेडल्स जीतती हैं, टॉप करती हैं, इनका राइट नहीं है? क्या हमें इनकी वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें इन पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या इनकी वीडियोज़ बना के आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल नहीं करवा सकते? क्यों? यूट्यूब दे रहा है पैसा, मीडिया दे रही है ना,
तो फिर क्यों नहीं ऐसे बच्चों का राइट, जो जिन्होंने दिन रात एक कर दिया सक्सेस हासिल करने के लिए, उनको उनको सामने लाए ना, उनकी वीडियोस बनाए, उनको वायरल करें ना आप। शेम ऑन यू निदा यार, सर यार, मैं दुआ करती हूँ कि कहीं ना कहीं से मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और आप सुने कि आपको शर्म आनी चाहिए। उन बच्चियों के लिए मैं कुछ नहीं कह रही, चलो ठीक है ओवरनाइट सक्सेस मिल गई उनको, 2 करोड़ 2 दिन में कमा लिए, आप क्या कर रही हो? वो बच्ची कौन थी, कहाँ थी, कोई नहीं जानता था। आपने ढूंढ डांट के उसको अपने शो में बुलाया, नचवाया उसको, उसको डांस करवाया, ठुमके लगवाया, और उसके बाद एक दफ़ा फिर वो वायरल हो गए पूरी दुनिया में। सेम दनानी के साथ आपने ये किया, सेम इतने छोटे से बच्चे अहमद शाह के साथ आपने ये किया। 2 दिन के अंदर आपने उनको अपने शो में बुलवाया और एक दफ़ा फिर ओवरनाइट उनको सक्सेस दिलवा दी। वलीद क्यों नहीं आया अभी तक आपके शो में? क्यों? आपको आपके व्यूज़ कम आएंगे, आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो शक्ल सूरत का अच्छा नहीं है, सूखा सा है, ठीक है, डांस नहीं करेगा, ठुमके नहीं लगाएगा, नाचेगा नहीं। तो शर्म करें आप लोग वो। और दूसरी बात ये कि कितने सारे मॉर्निंग शोज थे, सारे ख़त्म हो चुके हैं सिवा आपके। आपका नाच गाना शादियां सब चल रहा है। रीज़न ये है कि प्रोड्यूसर आप हो, आपको कोई बंद करवा नहीं सकता, कोई स्टॉप करवा नहीं सकता। तो मेहरबानी करके जहाँ ये नाच गाने ठुमके शुमके लगवाती हो लड़कियों से, साथ साथ ऐसे जो नौजवान बच्चों को भी बुलवाओ, ऐसे MBBS ग्रेजुएट्स को भी बुलवाओ, ताकि इनकी वीडियोस भी बने, दुनिया इनको भी देखे कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। इनको भी अप्रिशिएट करो, इनके लिए भी तालियां बजवाओ, इनकी इनके लिए शो करो, स्पेशल शो करो इन ऐसे लोगों के लिए। मेरी अपनी बच्ची जेट की बेटी है माशाल्लाह, उसने APS के स्कूल्स में से जो है टॉप किया है इंटर में। तो ऐसे कितनी एग्जांपल्स होंगी कि जो टॉप करती हैं, जो गोल्ड मेडल्स जीतती हैं, लेकिन उनको कोई नहीं बुलाता। आप न्यूज़पेपर उठाएं ना, आपको पता चलेगा कि इंटर बोर्ड के रिजल्ट में किसने बोर्ड टॉप किया, मैट्रिक में किसने टॉप किया, आगे MBBS ग्रेजुएट कौन हुआ, किसने गोल्ड मेडल जीते। ऐसे बच्चों को बुलाएं ना आप, ऐसे बच्चों के लिए आप शो करें ना। आए दिन अजीब तमाशे हो रहे थे आपके शो पर। एनीवेज ये हमारा हम सब का राइट है कि जो इस तरह हम अगर हमारे छोटे छोटे चैनल्स हैं, हम यूट्यूब पे आते हैं, तो हमें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए कि वलीद जैसे होनहार स्टूडेंट्स को भी हम सामने लाएं, उनसे बात करें, उनका राइट उनको दिलाएं, और उनके लिए जो है आवाज़ उठाएं कि जो है जैसे 2 दिन के अंदर 2 करोड़ कमाए जा सकते हैं। तो इस तरह इस बच्चे ने दिन रात मेहनत की। अगेन मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि इस बच्चे ने दिन रात मेहनत की होगी, इसके पेरेंट्स ने अपनी सारी जमा पूंजी खत्म की होगी, तब जाकर ये MBBS ग्रेजुएट हुआ है। तो ऐसे बच्चों को सामने लाएं, अप्रिशिएट करें इनकी एफर्ट्स को, सिर्फ नाच गाना नहीं दिखाएं। हमारा कल्चर ये नहीं है कि हम जस्ट नाच गाने को और सॉन्ग्स को और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करें। चलो एक छोटी सी वीडियो बनी, वायरल हो गई, तो आपने इसको बुला लिया, ओके, मैं मना नहीं करी, आपने बुलाया, आपको अपने जो नंबर्स बढ़ाने थे, लेकिन वो जो दिन रात मेहनत करके गोल्ड मेडल जीतते हैं, ग्रेजुएट करते हैं ना, उनका भी राइट है, उनको भी बुलाया करो अपनी शो पे। और दूसरे और बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जिनके अपने चैनल्स हैं यूट्यूब पर, जिनकी पहुंच है वलीद तक, उनको बुलाएं, उनका इंटरव्यू करें और उसको उसकी स्टोरीज सुनें, उससे बात करें, और ताकि उसकी चीज़ें, उसकी मेहनत, उसकी सक्सेस दुनिया के सामने आए और कुछ उसका फ़ायदा हो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।